लगातार मंथन जारी है। जल्दी कांग्रेस की पहली लिस्ट आने की संभावना जो है देखी जा रही है। हालांकि दीपक बावरिया की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है इस बार लिस्ट लाने में जल्दबाजी नहीं करेगी। और देखिए लगातार 90 विधानसभा सीटों पर जब सब कमेटी की कल बैठक हुई थी उस दौरान भी सभी सीटों पर मंथन किया गया, एक बार फिर से सभी सीटों का रिव्यू किया गया, बाकी की जो बची सीटें हैं उन पर भी रिव्यू किया गया है। तो देखिए आज भी कांग्रेस की सब कमेटी की बैठक होगी और इस बैठक का आज दूसरा दिन है। उम्मीदवारों के नाम पर कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। जल्द कांग्रेस की पहली लिस्ट आने की संभावना है जो हम आपको लगातार बता रही है। तो कांग्रेस की रणनीति इस बार विधानसभा चुनावों में कुछ अलग ही देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए 5 सितंबर को नॉमिनेशन का पहला दिन था, शुरुआत हो चुकी है कल से, अभी तक कांग्रेस की लिस्ट सामने नहीं आई है। अपराजिता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ी है। अपराजिता देखिए आज भी कांग्रेस सब कमेटी की बैठक होगी, आज दूसरा दिन है, कल क्या कुछ खास रहा? सभी 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा हो चुकी है, आज भी ये बैठक होगी, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? होने वाली जिस तरीके से विचार विमर्श किए गए थे उसी तरीके से जब स्क्रीन कमेटी की बैठक हुई थी तो उससे पहले सभी के विचार लिए गए थे, ठीक उसी प्रकार से आज कल की जब बैठक हुई थी तो सभी के विचार लिए गए थे, जिसके बिना पर आज सभी चीजों को कलेक्टिव करके हुए आज सब कमेटी की बैठक में डिस्कशन किए जाएंगे, जिसके बाद 5 बजे केंद्र चुनाव समिति की बैठक होने वाली, यानी तीसरे दिन की केंद्र चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। साथ ही सूत्रों की माने तो गठबंधन को लेकर भी इसमें चर्चा किया जा रहा है। हालांकि देखिए सरकारी समिति के पीछे से 100 सीटें हैं जिस पर बात बन चुकी है, हालांकि सभी 90 सीटों पर वापस से विचार मांगे गए हैं, तो कहीं ना कहीं सभी सीटों पर अभी पेज बचा हुआ है, सभी पर डिसीजन के लिए अभी बचे हुए हैं, तो संभव है कि आज सभी 90 सीटों को लेकर के डिसीजन ले लिया जाए, चाहे गठबंधन को लेकर के किया जाए या फिर सभी सीटों को लेकर के। तो उम्मीद की जा रही है कि आज जो सीटों को लेकर के जो पेंडिंग है, नाम पेंडिंग है, वो सभी चीजों को लेकर के आज बात बनती भी नजर आए और जल्द से जल्द सूचिंग जारी हो जाए। जी बिल्कुल। आप राजस्थान देखिए जब कांग्रेस की सीसी की बैठक हुई थी तब दीपक बावरिया का बयान सामने आया था कि 66 सीटों पर जो है बातचीत पूरी हो चुकी है, सीसी की मीटिंग में सहमति बन गई है। ठीक है, अब कांग्रेस की सब कमेटी की जो मीटिंग चल रही है, कल भी वो मीटिंग चली, आज भी वो मीटिंग चलेगी, तो पहली लिस्ट में कांग्रेस इतनी देरी क्यों कर रही है? क्योंकि अगर 66 उम्मीदवारों का हम जिक्र करें, सीटों पर बातचीत अगर बन चुकी है तो पहली लिस्ट जारी हो जानी चाहिए कांग्रेस की। हाँ बिल्कुल दीदी, हालांकि देखिए उम्मीद तो ही जा रही थी की बैठक के दूसरे दिन ही सूचीदारी कर दी जाए कि इस तरीके से प्रभारी के द्वारा भी कहा जा रहा था और खासतौर पे नॉमिनेशन से पहले कहा जा रहा था कि सूची जारी हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि हमें कोई जल्दी नहीं, 12 तारीख तक का तारीख है, हम आराम से सभी सीटों को लेकर के विचार विमर्श करने के बाद ही विजिबिलिटी के हिसाब से जीतने की संभावना सबसे ज्यादा दिखती है, उन सभी चीजों को देखते हुए ही हम सूची जारी करेंगे। हमें किसी बात की मंजूरी नहीं है, आराम से तसल्ली से हम उम्मीदवारों का नाम का चयन करेंगे और जारी करेंगे। और साथ ही देखिए जिस तरीके से चर्चा भी चल रही थी कि क्या कांग्रेस इंतजार कर रही थी बीजेपी की सूची का, कि जो भी वहां से जुटके हुए नेता है, नाराज नेता है, या फिर जिन्हें बीजेपी ग्राउंड पर उतार ली है, उन्हें देखने के बाद फिर कांग्रेस अपने जो कांग्रेस को प्रिंट करेगी, इसका भी एक बात कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा था। क्योंकि देखिए तो सीटों पर बात बन चुकी है, 2 सीटें हो चुकी है, कहा जा रहा था कि हाईकमान ने हरी घंटे में दिखा दी है, मगर फिर भी सूची जारी नहीं करना खुद ने कहीं ना कहीं इसका आदेशा देता है। जी चलिए आप राजिता बने रही हमारे साथ, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। उम्मीदवारों के नाम पर कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है, आज दूसरे दिन भी कांग्रेस की सब कमेटी की बैठक जो है की जाएगी।